अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक अजीज। क्या हाल चाल है? तो भैया आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं YouTube ब्रांडिंग की, इसके फायदे क्या हैं और इसे अपने चैनल पर सेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि YouTube ब्रांडिंग होती क्या है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि स्क्रीन पर राइट साइड पर नीचे की जानिब एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। अरे भाई, कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं बल्कि इस स्क्रीन पर जहां वीडियो चल रही है, यहां सीधे हाथ पर नीचे की जाने आपको मालूम है ये क्या है? अब इस पर अपना माउस लेकर जाएं तो आप देखेंगे कि एक सब्सक्राइब का बटन सामने आ जाता है। अगर इसका रंग अभी तक रेड यानी लाल है तो इसे प्रेस कर दीजिए, इसका रंग तब्दील हो जाएगा और वीडियो में भी कोई इंटरप्शन पैदा नहीं होगी। यकीन नहीं आ रहा तो आप इसे करके देख लें, इंटरप्शन नहीं होगी और इंटरप्शन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी छोटे से आइकन जिसे YouTube की लैंग्वेज में ब्रांडिंग कहते हैं पर बात करने जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल आपके सब्सक्राइबर्स की तादाद में कई गुना इजाफा भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नए यूट्यूबर्स के साथ साथ पुराने यूट्यूबर्स के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, अब तक तो ये आप जान ही चुके हैं कि YouTube ब्रांडिंग होती क्या है, यानी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये छोटा सा आइकन। अब इसके फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि जब कोई व्यूवर आपकी वीडियो देख रहा होता है और उसे पसंद आ जाती है और वो चाहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करे, तो उसे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। वो वीडियो को देखने के दौरान ही इस ऑप्शन के जरिए आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन ये सहूलत सिर्फ कंप्यूटर पर वीडियो देखने वाले को मैसर होती है और मोबाइल फोन पर वीडियो देखने वाले को ये सहूलत दस्तियाब नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अपने चैनल के एनालिटिक्स का जायजा लें तो आपको अंदाजा होगा कि कम से कम 10% लोग अब भी आपकी वीडियो कंप्यूटर पर देखते हैं। यदि उन 10% लोगों के पास आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की सहूलत मैसर आ जाएगी, इजाफी सहूलत, और जब इजाफी सहूलत मैसर आएगी तो आपके चैनल पर सब्सक्रिप्शन की तादाद में इजाफे का इम्कान भी बढ़ जाएगा। जब आसानी बढ़ती है तो रेशो बढ़ जाता है और ये छोटी छोटी चीजें एक छोटे चैनल को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल साबित होती है। अगर 5% भी सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ जाती है तो एक छोटे चैनल के लिए बड़ा फायदा होता है ना, बड़ा फायदा। तो यार, इसी खुशी में अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। तो हमने ये तो जान लिया कि ब्रांडिंग होती क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं, अब ये भी सीख लेते हैं कि इसे अपने चैनल पर सेट किस तरह करते हैं। तो YouTube पर अपने चैनल को लॉगिन कर लें और अपने चैनल आइकन को प्रेस करके YouTube स्टूडियो में आ जाएं। अगर आप स्मार्टफोन पर ये काम करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, क्रोम ब्राउजर पर YouTube चैनल को लॉगिन करें, थ्री डॉट जो ऊपर नजर आ रहा है इसे प्रेस करें और यहां से नीचे जो ऑप्शन नजर आएगा आपको डेस्कटॉप बोर्ड का, उसे ऑन कर लें। उसके बाद सारा काम कंप्यूटर स्क्रीन की तरह ही होगा। तो YouTube स्टूडियो में यहां लेफ्ट साइड पर नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, इसे प्रेस करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें पहला ऑप्शन जनरल का है और दूसरा ऑप्शन चैनल का है, आप चैनल को प्रेस करें। यहां ऊपर तीसरा ऑप्शन ब्रांडिंग का है, इसे प्रेस करेंगे तो आपको एक स्क्रीन और कुछ ऑप्शन नजर आ जाएंगे। यहां पर आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहां सब्सक्राइब का बटन लगाएं, क्योंकि जब लोगो को नजर आएगा सब्सक्राइब का एक बटन और वो सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो उसे प्रेस करके आसानी से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकेंगे। इसकी एक और वजह यह है कि बेशुमार लोगों को यही मालूम नहीं होता कि सब्सक्राइब करना कैसे है। अगर यहां पे सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा तो उन लोगों को लगेगा कि यहीं से सब्सक्राइब करना है और वो आसानी से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब इसे लगाते कैसे हैं? तो अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो चूज इमेज का ऑप्शन आएगा और आपने पहले से कोई तस्वीर लगाई हुई है तो रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। इसे प्रेस करके अपने कंप्यूटर में उस फोल्डर में चले जाएं जहां सब्सक्राइब का बटन यानी वो सब्सक्राइब वाली तस्वीर मौजूद है, इसे सिलेक्ट कर लें। अब यहां देखिए आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप ये ब्रांडिंग या आइकन को वीडियो के एंड में लगाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी मर्जी से वीडियो पर किसी खास टाइम में लगा दें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इस आइकन को या इस लोगो को पूरी वीडियो में लगाएं, यानी ये आइकन या लोगो पूरी वीडियो में व्यूवर को नजर आए।
इसे सिलेक्ट करके सेव कर लें और यार इसे प्लीज लगा लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक छोटे चैनल को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल साबित होती हैं, और इसका फौरी फायदा आपको अगर नजर ना भी आए तो लॉन्ग टर्म में इसके काफी फायदे हैं, यकीन जानिए। और अगर आपको अपना लोगो ही लगाना है तो इसके लिए स्क्रीन पर बहुत सारी जगह लेफ्ट राइट कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यार अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और हाँ अगर आपका कोई सवाल हो तो इसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, अल्लाह हाफिज़।